माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास संशोधन विधेयक 1966 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मंत्री जी ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में संशोधन के लिए यह बिल यहाँ प्रस्तुत किया है। पहले दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों का चयन DDA में हुआ करता था। अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन जाने से यहाँ राज्य के रूप में विधानसभा गठित हो गई है, इसलिए विधायकों का उसमें चयन करने के लिए यह संशोधन विधेयक हमारे सामने है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी आदरणीय जगमोहन जी ने उसका उल्लेख भी किया था। दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई है, यानी 1 करोड़ से भी अधिक होने को है। यहाँ पर गरीब लोग और कम आय वाले लोग भी रहते हैं, जो अधिकतर कॉलोनियों में रहते हैं। अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या 1210 है। इन बस्तियों में ये लोग फटे हाल और परेशानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए कि इन बस्तियों को नियमित नहीं किया गया है, जिस कारण उन्हें सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और राशन कार्ड ना होने की वजह से राशन नहीं मिल पाता। पिछले दिनों जंतर मंतर के पास इन बस्तियों के हजारों लोगों ने 49 दिन तक धरना भी दिया था। एक रोज ऐसा भी आया कि कम से कम 5,000 परिवार अपने बाल बच्चों के साथ ठंड में वहां पड़े रहे। यह मंत्री जी को अच्छी तरह ज्ञात भी है। माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री उनके प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी के पास ले गए और उनको आश्वासन मिला कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यह भी आश्वासन मिला कि अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत किए जाने की कार्यवाही होगी। लेकिन उस बात को बीते 1 महीना हो गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग इन 1210 बस्तियों में परेशान हैं, जिन्हें बिजली, पानी और राशन नहीं मिल रहा है। उनकी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या सरकार इसी महीने में संसद के इसी सत्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन बस्तियों को अधिकृत रूप में नियमित कर दिया जाए, उन्हें बिजली तथा पानी का कनेक्शन मिले, राशन कार्ड मिले। यह मैं कहना चाहता हूँ, हम अब एक ऐसी शताब्दी के समापन वर्षों में हैं जिसने युद्ध की विनाश लीला देखी है, जो मानव की वैज्ञानिक, बौद्धिक और रचनात्मक सफलताओं से गौरवान्वित हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 की सरकार में आप भी हिस्सेदार थे, उस समय आप भी इस सदन के माननीय सदस्य थे। उस समय झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनके लिए सोचा गया था। यहाँ पर माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री जी बैठे हैं,
उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि 1989 में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया था। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनीज के लोगों को सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत लाखों रुपए की बिजली चोरी से इन अनधिकृत कॉलोनीज में चली जाती हैं, उन्हें पानी मिल रहा होता है, चाहे कुछ लोगों को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, परंतु यदि इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए तो डेसू विभाग जो नियमित रूप से घाटे में चल रहा है वह घाटे में नहीं जाएगा। पानी आपूर्ति करने की स्थिति भी खराब है। यदि 1210 अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां सब रुक जाएगा और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनीज में जो डेंगू जैसे रोग का प्रकोप होता है, तमाम रोग फैलते हैं, पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है, तब इस सदन में भी बराबर इस बारे में आवाज़ उठाई जाती रही है। इस प्रकार से इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर देने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्री महेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में 49 दिन तक जो धरना चला था उस प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि संसद सत्र की इसी अवधि में ही सरकार द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम उल्लेख करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य इस DDA की समिति में हुआ करते थे, उनकी जगह अब राजधानी दिल्ली के लिए जो संशोधन विधेयक आया है इसका हम जोरदार समर्थन करते हैं। लेकिन वहाँ पर यह भी मांग करना चाहते हैं कि सरकार को दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी इसमें जारी रखना चाहिए ताकि वे भी इसमें भागी ले सकें और उनकी इसमें भागीदारी हो सके। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि DDA के माध्यम से दिल्ली के जिन स्कूल कॉलेज की समितियों को ज़मीन दी जा रही है उनमें ऊंची दरों से पढ़ाई की व्यवस्था होती है। दुख की बात तो यह है कि जहां हिमाचल में स्वर्ण जयंती वर्ष में अनेक समारोह किए जा रहे हैं वहां इन स्वतंत्रता सेनानियों को किंचित भी सम्मान नहीं मिला। पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह सरकार ने इनको राहत पहुंचाने के लिए जो निर्णय लिए थे आज ठीक उसके विपरीत होता हुआ नज़र आ रहा है।